आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। काफी सारे मीडिया के लोग, हमारे परिवार से कई सारे लोग आए हैं, दोस्त, कई बहुत पुराने चेहरे, कुछ लोग अमेरिका तक से यहाँ पे आए हुए हैं मेरे लिए। ये हमारे लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर हम ये कैंपेन कर रहे हैं, और आज आप लोगों से उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों से भी उस पर चर्चा होगी, अवगत कराएंगे कि हमारा क्या विजन है, हम क्या सोच रखते हैं, हम कैसे इस कैंपेन को, इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आप सभी लोगों का स्वागत है। इस कैंपेन को करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस क्षेत्र में अवेयर कराने के लिए, इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ करने की बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है। हमारे इस पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं। आप लोग विश्वास करेंगे कि उस 800 करोड़ लोगों में से करीब 150 करोड़ लोगों को पूरी दुनिया में सुनने की परेशानी है। थोड़ी कम, थोड़ी ज्यादा हो सकता है कि इतनी ना हो कि लोग अभी बहुत परेशान हो उस चीज से, लेकिन अगर थोड़ी बहुत बात करें तो करीब 150 करोड़ लोग हैं जो इस पूरी दुनिया में इससे ग्रसित हैं। मतलब आप समझिए, हमारे देश के पॉपुलेशन से भी ज़्यादा लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड में हियरिंग की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। और इसमें करीब 50 से 60 करोड़ के बीच में ऐसे लोग हैं जिनको डेली बातचीत करने में भी परेशानी है, जिनको डेली दिनचर्या में भी परेशानी है। वो टीवी नहीं देख सकते हैं, वो हमारी तरह बैठ के लोगों से बात नहीं कर सकते। तो ये नंबर इतना बड़ा है, मतलब ये एक पैंडेमिक के साइज का नंबर है। और 2050 तक लगभग एक्सपेक्टेड है कि जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, हमेशा हेडफोन से गाने सुनना या बहुत लाउड म्यूजिक को सुनना, या इवन हमारा जो एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन है, साउंड है, बाहर जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इन सब चीज़ों से ये नंबर 150 करोड़ से बढ़ के लगभग 250 करोड़ तक पहुँचने वाला है। लेकिन जिस तरीके से आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, और आप देखेंगे कई लोग हमने से चश्मा लगाए हुए हैं, शायद उसी तरीके से उसी स्केल पे बहुत ही जल्दी हियरिंग की प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही है कि सारे लोगों को एक हियरिंग एड लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जिन लोगों को हियरिंग की प्रॉब्लम हो चुकी है उनके लिए क्या क्या सुविधाएँ हैं, हम उसके लिए अवेयर करना चाहते हैं। और जिन लोगों को जो अभी यंग हैं, जो अभी यंगस्टर्स हैं, जो अभी साउंड पोल्यूशन से एक्सपोज हैं, हम वैसे लोगों को अवेयर कराना चाहते हैं कि कैसे वो अपने हियरिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे वो अपने हियरिंग का ख्याल रख सकते हैं। हमारे देश में भी करीब 6.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सुनने की बहुत ज़्यादा समस्या है। मतलब वो मेरी और आपकी तरह नॉर्मल जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, इतनी बड़ी समस्या है। और 6.5 करोड़ का नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। इसके साथ में आपको विश्वास नहीं होगा कि अगर 100 लोगों को हियरिंग की प्रॉब्लम है तो उसमें से 2 लोग भी हियरिंग की ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं, 2 लोगों के पास भी हियरिंग केयर की सुविधा उपलब्ध नहीं है आज के समय में। लोगों को अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, साथ ही अभी बहुत कम लोग हियरिंग एड खरीदते हैं, तो इसकी कीमत भी, इसका जो बजट है वो भी एक लोगों के लिए कंसर्न है। साथ ही अभी तक हमारी जो सोसाइटी है वो हियरिंग एड को खुल के एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, तो हियरिंग एड अभी भी एक सोशल स्टिग्मा की तरह देखा जाता है कि जैसे ही हम लगाते हैं तो दूसरा, सामने वाले लोग उस पर्सन को बहरा समझने लगते हैं, जबकि चश्मे के केस में ऐसा नहीं होता है। तो इन सारी समस्याओं पे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना चाहते हैं। जिनको परेशानी अभी नहीं है उन लोगों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो लोग, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। और ऐसा करने के लिए कई सारे तरीके हैं जो हम ऑलरेडी अपनाते हैं, एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, लोगों के लिए कैंपेन्स करते हैं, फ्री चेकअप कैंप्स लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा था कि हम बहुत लार्ज स्केल पे इस चीज़ को, अपने इस उद्देश्य को नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया, मैं और एक बार एक बेटी, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग दिल्ली से लंदन बाई रोड ट्रैवल करेंगे अपनी कार से, अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर कार से, जो कि आज नीचे भी लगी है, आप लोग अभी नीचे देखेंगे। हमने कार की भी चारों तरफ से हियरिंग अवेयरनेस को लेकर ब्रांडिंग करवाई है। इस कार से हम दिल्ली से लंदन बाई रोड ट्रैवल करने वाले हैं, और ट्रैवल करते हुए हम बहुत सारे टॉक्स करेंगे ऑन द वे, हम आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे अलग अलग कंट्रीज़ में,
जर्मनी में हियरिंग का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है, वहाँ पे क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं आज के डेट में, पिछले साल में क्या रिसर्च हुआ है, वो लोग अपना रिसर्च प्रेजेंट करते हैं वहाँ पे, लेके आते हैं उन कॉन्फ्रेंसेस में, उन सारी तकनीक को हम जल्दी से जल्दी भारत में लाने की कोशिश करेंगे। अलग अलग देश इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं उस पर हम उन देशों में जाके चर्चा करेंगे और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम अपनी कंट्री में लाने की कोशिश करेंगे। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है वहाँ पे टॉक दे रहा हूँ। कई सारे बीच में एम्बेसीज हैं इटली में, डेनमार्क में, बल्गेरिया में, इन सारी जगह पे एम्बेसीज में मैं टॉक्स दे रहा हूँ जहाँ पे हम लोगों को अवेयर भी करा रहे हैं और साथ ही हम कई सारे और प्रोफेशनल्स से मिलके आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं। इसके साथ ही हम सोशल मीडिया के थ्रू जो कि आज के समय में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माध्यम है, आप सारे लोग इस चीज़ से सहमत होंगे कि हम सब लोग सोशल मीडिया पे कितना कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए इस्तेमाल करते हुए हम 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों तक अपने इस मैसेज को लेके पहुँचना चाहते हैं और हमारे सारे वीडियो सारी चीज़ें हिंदी भाषा में ही बोली जाएंगी, अवगत हो पाएंगे और वो लोग हमसे जुड़ पाएंगे इस कैंपेन में और हम हर संभव प्रयास करेंगे ताकि अपने इस कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ। सफल किया इस कैंपेन को हमने, सार्थक बनाया, इसीलिए आप सब लोगों से भी मुलाकात हो रही है, आप सब लोगों से इस कैंपेन में साथ देने का अनुरोध है। आप सब लोग जितना जुड़ेंगे, ये परेशानी इतनी बड़ी है कि हम लोग मिल के अगर हाथ बटाएं तो इसमें हम लोग मिल के थोड़ा सा कुछ काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग ये ट्रिप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हियरिंग की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताना चाहते हैं और उनको ये रियलाइज कराना चाहते हैं कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे अभी हमें बहुत सारे लोग चश्मा लगा के दिखते हैं, वैसे ही जल्दी सारे लोग हियरिंग एड लगा के दिखेंगे। तो हम चाहते हैं कि इस नोबल कॉस्ट में सब लोग हमारे साथ जुड़िए, जरूरी नहीं कि फिजिकली बट डिजिटली सही। सोशल मीडिया का जमाना है तो हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस सोशल मीडिया के थ्रू ही क्रिएट करना चाहते हैं। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो ईयरफोन वगैरह का इस्तेमाल कितना ज्यादा करते हैं, ईयरफोन के 15 मिनट से ज्यादा अगर लगातार उसका इस्तेमाल किया जाए तो हमारी हियरिंग परमानेंटली अफेक्ट हो सकती है। कुछ भी अभी जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि वो बहुत ही ज्यादा हेडफोन का या ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। इस इस्तेमाल से ज्यादातर उनकी जो लाउडनेस होती है वो 80 डेसिबल से ज्यादा होती है और अगर 15 मिनट तक हेडफोन का लगातार तेज वॉल्यूम पे इस्तेमाल किया जाए तो उससे परमानेंट हियरिंग लॉस होने के चांसेस हैं। हियरिंग की जो परेशानी है ये इरिवर्सिबल है, अगर किसी को 10% की हियरिंग लॉस हो गया तो वो कभी भी वापस ठीक नहीं हो सकता है, उसको 10% पे रोका जा सकता है। जैसे अगर उसके बाद लोग हियरिंग एड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वो हियरिंग लॉस उतने पे फिर भी रुक सकता है काफ़ी समय तक, लेकिन उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। और ऐसे रेगुलर लाउड साउंड के एक्सपोजर से ये परेशानी रोज बढ़ती जा रही है और यही हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवगत कराएं और इस पे उनको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट कर सकें। Sitting with a German traveler, so he's giving us all that encouragement. When you're talking about this hearing awareness, so most people are today using this hearing that whatever you said, you know, headphones and other things. Earphones. But you said it's 80 decibels, right? So that's on a loud noise. But if some people, like if they're sitting in an environment, like now we have the G20 summit going, and we have the people, those foreign people for translation purposes, the translators, so that is also in headphone. So does that also lead to this problem? Our speech, the one we talk, is roughly around 50 to 60 decibels. So if we hear 50 to 60 decibels, even for a little longer period of time, it would not have that adverse effect on our hearing. 80 decibel plus is little louder for our ears. When we put on the volume full, we make it high, and then we listen it continuously for more than 15-20 minutes, that's when the chances are higher of getting affected.
However, we should use it as minimum as possible, but the normal conversation should not affect the hearing aspect also. Another thing, since you are from the hearing aid, you know, solutions. That's right. So like in colleges and even in the cars today, people use those speaker systems, either it's, you know, whatever it is. Correct. And they use it and I think they blast. Correct. So, usme bhi nuksan hai baat? Yes, yes. Of all these things, anything, when we go to loud music, when we go to a DJ place, or even in our car, if the sound is very loud, so, and if we hear it consistently for 15-20 minutes, it will have adverse effect on our ears. So we should use it at the minimum volume. 50-60 dB is ideal volume where we can hear anything clearly. So 50-60-70 decibel is the normal volume where we should hear things. And that will not work very long. Now coming to the expedition, you are traveling from Delhi to London. Correct. So what's the total tour program? You're going via Bombay and then you're flying some places. Now that's a good question. So I'll address it for everybody. Main Hindi mein bhi bol deta hoon taki sare log yahan pe ek saath address ho jaye. So ये जो ट्रिप है हमारा ये करीब 70 डेज का ट्रिप है. हम दिल्ली से आज स्टार्ट कर रहे हैं. हम पहले दो दिन में मुंबई पहुंचेंगे, बीच में अहमदाबाद में एक स्टॉप करते हुए फिर हम मुंबई पहुंचेंगे और मुंबई से हम अपनी कार को शिप से दुबई भेज देंगे. सो बस ये एक शिप का रास्ता है कार का. उसके बाद फिर दुबई से हम ऑलमोस्ट पूरा रास्ता तकरीबन 20,000 किलोमीटर बाय रोड कवर करेंगे. ये पूरा ट्रिप बाय रोड 70 डेज का है. शिपिंग में करीब 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लगता है. तो अभी हम 1 तारीख को अपनी कार दुबई भेज देंगे और फिर हम 12 या 13 तारीख को दुबई से अपनी एक्चुअल जर्नी लंदन तक की शुरू करेंगे. दुबई के बाद में हम ईरान एंटर करेंगे. ईरान से हम इस्तांबुल जाएंगे टर्की, और टर्की से हम बुल्गेरिया, यूरोप रीजन शुरू हो जाता है. तो बुल्गेरिया के थ्रू होते हुए ग्रीस, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, स्वीडन, नॉर्वे, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, ब्रसेल्स, ये सारी कंट्रीज होते हुए करीब 29 कंट्रीज क्रॉस करते हुए हम फाइनली इंग्लैंड के कैपिटल में लंदन में पहुंचेंगे. और लंदन यूके भी 4 छोटी कंट्रीज का कॉन्टिनेंट है, तो उसमें हम आयरलैंड और स्कॉटलैंड, वेल्स, इन सब जगह पे भी जाएंगे और फाइनली हम लंदन में अपने इस ट्रिप को एंड करेंगे. ये टोटल ट्रिप 20,000 किलोमीटर और 70 डेज के ड्यूरेशन का होने वाला है. और लंदन से हम अपनी कार को वापस शिप से इंडिया भेज देंगे. हम पूरे रास्ते वापस चला के नहीं आएंगे, लंदन से वापस शिप से गाड़ी आ जाएगी और हम लोग 15 नवंबर के आसपास फ्लाइट लेके हम वापस इंडिया आ जाएंगे. तो ये लगभग 2.5 महीने का. अगर उसमें 50% से ज़्यादा हियरिंग लॉस है तो वैसे पर्सन को हियरिंग डिसेबल्ड का सर्टिफिकेट हमारी सरकार देती है, मतलब उनको हियरिंग डिसेबिलिटी में कंसिडर किया जाता है. लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि अगर ये 10-20-30% हियरिंग लॉस है तो मे बी उनको हियरिंग डिसेबल्ड में कंसिडर ना किया जाए, उनको सिर्फ हियरिंग प्रॉब्लम में कंसिडर किया जाए. एक प्रॉब्लम है, 10-20-30% सुनने में कमी है, जो कि एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की नॉर्मल सी हियरिंग एड लगा के उसको सॉल्व किया जा सकता है. ऐसे में आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि अभी जो हियरिंग एड की टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी है कि हम लगभग 95% भी हियरिंग लॉस अगर है तो उसको हम अपने हियरिंग एड से उस लॉस को कवर कर सकते हैं. और जैसे कि मैं और आप सुन पाते हैं, बहुत ही क्लोज, बहुत ही अच्छा सुनने का एक्सपीरियंस हम अपने पेशेंट्स को भी दे सकते हैं जिनको अभी हियरिंग लॉस नहीं है, ताकि उनको भी हियरिंग लॉस ना हो. साथ ही जिनको हियरिंग लॉस हो चुका है वो कैसे अपने हियरिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा ना हो. जिनको ज़्यादा हियरिंग लॉस भी है या जो हियरिंग डिसेबल्ड की कैटेगरी में भी आते हैं, 50-60% से ज़्यादा लॉस जिनको है, उनके लिए भी क्या क्या तकनीक अवेलेबल है, कैसे वो एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं, उसके बारे में भी हम अवेयर कराएंगे. इससे ज़्यादा लीडिंग ENT डॉक्टर्स वगैरह के साथ हम लोग मिल रहे हैं वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में. हम जर्मनी में हियरिंग का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है यूरोपियन एसोसिएशन का, उनको अटेंड करके जो लेटेस्ट तकनीक है वो अपने देश में लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो इन सब इनिशिएटिव से हम अपने लोगों के लिए उनको अवेयर कराना और साथ ही उनके लिए जो नई तकनीक है उन चीज़ों से अवगत कराना, ये हमारा मेन पर्पस है.
टोटल खर्च आना है वो करीब 30 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के आसपास आना है, मतलब 50 से 60 लाख रुपए का खर्च हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस 2.5 महीने के ट्रिप में, जिसमें कई तरह के परमिशन हैं, फ्यूल का, पेट्रोल का खर्चा है, गाड़ी को शिफ्ट करने का खर्चा है, हर देश का इंश्योरेंस लेना होता है गाड़ी का भी अपना भी, और इसके साथ ही हर कंट्री का जैसे रोड टैक्स हम लोग अपनी मेरी गाड़ी का यहाँ इंडिया का रोड टैक्स जमा है उसी तरह से कई देशों का रोड टैक्स जो होता है वो सब चीज़ें जमा करने की ज़रूरत है। तो ये इस तरीके का खर्चा है, इसमें बहुत सारी कंपनीज आगे बढ़ के हमें सपोर्ट करना चाह रही हैं, तो आई एम श्योर कि ज़रूर कुछ कंपनीज भी इसमें हमें सपोर्ट करेंगी। क्योरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये तो हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये आने के बाद क्या हम 10 साल पहले से कर रहे हैं और शायद मैं पूरी ज़िंदगी मेरा जीवन ही इसी काम को डेडिकेटेड है, तो मैं आगे भी पूरी ज़िंदगी इसी क्षेत्र में अवेयरनेस को लेके या ट्रीटमेंट को लेके या इस परेशानी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उन चीज़ों को लेके, कैसे हम अपने देश में बजट में अपने कई सारे हमारे गाँव में गरीब लोग हैं जो बहुत महंगी हियरिंग एड आज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मेरा जीवन तो इसी क्षेत्र में डेडिकेटेड है। इस ट्रिप के थ्रू हम आपने जिन लोगों की बात की जो यंगस्टर्स हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में अभी काम करते हैं दिन में 4-4 घंटे मेट्रो वगैरह में ट्रैवल करते हैं और उनका सबसे आसान टाइम पास गाने सुनते हुए तेज वॉल्यूम पे गाने सुनते हुए ही जाना है, तो उनकी एक परेशानी जो कि उनका बोरियत है या 4 घंटे का ट्रैवल है उसको सॉल्व करने के लिए जो वो मीडियम दे रहे हैं लगातार लाउड नॉइज सुनना और गाने सुनना, वो उनको एक दूसरी परेशानी देने को तैयार है, तो हम उन्हीं लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। इवन इस ट्रिप से भी हम अपने ही इन ऐसे ही लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं और इन लोगों को ही हम इसके बारे में, इन परेशानियों के बारे में अवेयर कराना चाहते हैं कि वो इसको कम वॉल्यूम पे सुने, कम लाउडनेस पे सुने, कम समय के लिए सुने एटलीस्ट, और अलग अलग तरह के जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, कई लोगों को हियरिंग लॉस नहीं है बट अगर वो नॉइज वाले जगह पे जा रहे हैं तो उनके लिए भी कई हियरिंग को प्रोटेक्ट करने की डिवाइसेस हैं, अगर किसी वजह से ज़्यादा हियरिंग लॉस हो जाता है 60-70-80% हियरिंग लॉस हो जाता है तो उसको रिकवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे चश्मे में होता है एक बार लॉस हो गया तो हम चश्मा लगा के उस लॉस को काफ़ी हद तक उसी के आसपास रोक लेते हैं, उसके बाद तेज़ी से लॉस बढ़ना बंद हो जाता है। उसी तरह से जब हियरिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो और ज़्यादा स्ट्रेन पड़ने लगता है सुनने के लिए, हम लोगों को ध्यान लगाना पड़ता है और ये ध्यान लगाने से हियरिंग की प्रॉब्लम और लगातार बढ़ती रहती है। एक अच्छी हियरिंग एड लगा लेने से हम लोगों का जीवन काफ़ी नॉर्मल की तरह हो जाता है। आजकल हियरिंग में टेक्नोलॉजी भी बहुत अवेलेबल है, हम फोन पे भी बात कर सकते हैं, हियरिंग एड में रिचार्जेबल हियरिंग एड भी है, कई लोगों को दिखने की परेशानी होती है तो उनके लिए इनविजिबल तरह की हियरिंग एड भी है जो बिल्कुल दिखती नहीं है, कान के बिल्कुल अंदर कनाल के अंदर चली जाती है, तो ये सब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ठीक नहीं किया जा सकता है लेकिन हाँ उनकी लाइफ को हियरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिवाइसेस से कोशिश की कर सकते हैं। वेबसाइट पर लिखा हुआ WHO ने जो हमारे देश में सर्वे कराया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, उनका मानना है जबकि ये डेटा आज से करीब 2 साल पहले का है, 6.3 करोड़ लोग हमारे देश में हियरिंग की प्रॉब्लम से अफेक्टेड हैं। अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं तो साथ ही हम फ्री हियरिंग चेकअप ड्राइव भी चला रहे हैं अपने सारे क्लिनिक्स पे, लोग earsolutions.in पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुफ्त इलाज, मुफ्त हियरिंग चेकअप हम सारे लोगों का कराने का हमने प्रबंध किया है। 150 करोड़ सारी दुनिया में जी, एक बहुत अच्छा है कि आप पूरी दुनिया में इसका प्रचार कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली वहां की जो पॉपुलेशन है उसका 6-7% हियरिंग इंपेयर्ड है, इंडिया में नंबर 8-9% है, थोड़े ज्यादा लोग क्योंकि हमारे देश ऐसे भी ज्यादा नॉइज वाला नॉइज पोल्यूशन वाला देश है। दूसरी चीज वहां पे क्यों 1-2% हमारे देश से कम है, क्योंकि वहां अगर 100 लोगों को सुनने की परेशानी है तो तकरीबन 20-30% लोग इसका इलाज कराते हैं, इसके बारे में अवेयर हैं, समय समय से इसका चेकअप कराना, ऐसी चीजें वहां पे लोग करते हैं। हमारे यहाँ पे हियरिंग की प्रॉब्लम को अभी भी सीरियसली नहीं लिया जाता है। हमारा देश 10 गुना ज्यादा बड़ा है जर्मनी से, शायद उससे भी ज्यादा,
और तब भी जर्मनी में 6000 से ज्यादा प्रोफेशनल हियरिंग क्लिनिक्स हैं जो इसका इलाज कर रहे हैं। हमारे देश में 150 करोड़ लोग हैं और सिर्फ 1 से 1.5 हजार प्रोफेशनल हियरिंग क्लिनिक्स हैं। अगर कुछ कुछ फार्मेसी शॉप्स पे, कुछ ऑप्टिकल शॉप्स पे, ऐसे जगह पे भी हियरिंग एड उपलब्ध है, अगर हम वैसे जगह को भी मिला लें तो 2.5 से 3 हजार लोग हैं टोटल जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और हमसे 1/10 साइज का देश, वहाँ पे हमसे 3-4 गुना ज़्यादा लोग हैं जो हियरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल्स की भी ज़रूरत है इस क्षेत्र में, ज़्यादा से ज़्यादा हियरिंग क्लिनिक्स आने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने की ज़रूरत है। हम आज अपनी सड़कों को इतना अच्छा कर रहे हैं, हम आज अपनी बिल्डिंगों को इतना अच्छा कर रहे हैं, तो जैसे हम इन चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे हर क्षेत्र में हमें, हियरिंग के क्षेत्र में भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आगे बढ़ने की काफ़ी ज़रूरत है। बस चले तो मैं पूरे दुनिया की हियरिंग प्रॉब्लम के लिए इसको ठीक कर पाऊँ, तो मेरा मानना है कि हम अपना छोटा स्टेप ले रहे हैं, लेकिन हम सब लोग अगर हाथ मिलाएं तो इस पूरी दुनिया से, जैसे कभी एक समय टीवी होता था जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और ख़त्म हो गई, हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। और इसलिए हम लोग ये हैश टैग यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, अब सब सुनेंगे। आप देखिए, सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे, ENT वाला एक डॉक्टर मेरे वाले को छुट्टी पे जी, 300 आदमी लाइन में लगा हुआ है। जैसा आप प्रपोजल दे रहे हैं PP मॉडल में, कि आप फिर बंदे इकट्ठे करके PP मॉडल को, किस तरह का आपका प्लानिंग है? बिल्कुल, हम आपने ये अच्छा सजेशन दिया है, ये तो मेरे लिए एक सजेशन है। हम लोगों ने अभी तक अपने अपने माध्यम से ज़रूर सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि अभी तक इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है और इसमें और इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। हम ज़रूर जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो इस क्षेत्र में रिलेटेड हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है या मेडिकल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, इन सारे डिपार्टमेंट्स में हम अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि आजकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी बहुत सारा काम हो रहा है, तो हम इस तरह का कोई भी अपॉर्चुनिटी होगा जिसमें हम लोगों को कुछ फायदा पहुंचा सकें। माय लास्ट वन क्वेश्चन इज अबाउट मीडिया आल्सो आई फाउंड कि देयर आर सम पीपल हु आर डिफरेंट डाउट यानी मीडिया कोलीग्स एक्चुअली कि मेक दैट्स चाइल्डहुड लेवल चाइल्ड इज बोर्न जब पता नहीं चल रहा है, बिकॉज़ व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न तो लोग सोच रहे हैं कि वो चलेगा, पता चल रहा है डिफॉर्मिटी है बाद में। सो व्हाट इज द सिचुएशन बाय हियरिंग आजकल टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड में, तो व्हेन द चाइल्ड इज इन द मदर्स वूम, सो कैन इट बी डिटेक्टेड व्हेदर इज हियरिंग इज गोइंग टू बी इंपेयर्ड और नॉट? इफ 1000 चिल्ड्रन आर बोर्न इन आवर कंट्री, three children are born with hearing impairment already, and earlier we had no provision of testing these children. Slowly we have spoken to a lot of government agencies, medical associations. Now most of the hospitals are testing all the high risk babies that are being born. We still do not have 100% testing mechanism at the time of birth. We don't have technology to test when the child is in the womb of the mother. We still don't have that technology. But yes, right after the child is born, we can test their hearing if they have any hearing problem. But still, many hospitals are not taking this initiative right now. And many a times it happens that this hearing loss is detected only after a year or two, when we call the child and he doesn't turn around. That's when we get to know. So we do have technology, we are testing high-risk babies right now, and we hope that this gets implemented and all the new ones get. So just thinking, this many friends hai wahan pe, you were saying that this should be addressed by the government. Yeah. So I want through you, you can spread the message, the Prime Minister Modi, aaj ke liye khade ho ke agli baar kahe ki national disease isko declare kar dein, and everybody has to be under compulsion, they'll have to do the testing. Correct. तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरी भी हमारे प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है, श्री नरेंद्र मोदी जी, कि हियरिंग की प्रॉब्लम अभी इतनी बड़ी समस्या हो गई है और इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। हमारे देश में 8-10 करोड़ लोग हैं जो इससे सफ़र कर रहे हैं, 6-6.5 करोड़ लोगों को बहुत ज़्यादा लेवल पर ये परेशानी है। तो इस परेशानी के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, हमारे जैसे लोग ज़रूर अवेलेबल हैं अगर कहीं
पे भी किसी तरह की जरूरत पड़ती है किसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, तो लेकिन सारे न्यू बॉर्न बच्चों का स्क्रीनिंग होना चाहिए ताकि उनकी जिंदगियों में अगर ये परेशानी है तो उसको हम इनिशियल लेवल पे सॉल्व कर सकें। जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए ताकि उनको हेडफोन ईयरफोन से जो परेशानी आने वाले सालों में होने वाली है वो चीज़ हम जितना बचा सकें, और जिन लोगों को ऑलरेडी परेशानी है वो लोग बहुत आसान तरीके से इसका सरकारी हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकें और हम लोग जो भी सुविधाएँ हैं IRDA से भी हम लोग कॉन्वर्सेशन में हैं अभी तक, क्योंकि इसका डेटा बहुत छोटा था तो IRDA इनिशिएटिव नहीं ले रही थी, बट अब जैसे जैसे और लोग अवेयर हो रहे हैं। And the journey is going to cover 29 countries, 20,000 kilometers, and we are going to cover all of this in 70 days. And the journey is about hearing awareness. We want to create more awareness for hearing, and that too through our through this trip via media platform. Growing day by day, we have been working in the field of hearing impairment since last 12 years by the name of Ear Solutions, and we have observed that over past years this problem has been growing day by day. So we feel that the youngsters who are using a lot of headphones, earphones at very high volume, their hearing tend to decrease very fast, hearing level, which means that now they will have hearing problem at a very early age, and this is a matter of concern. More than 6.5 crore people are affected by this problem in our country. 20,000 kilometers, 29 countries in 70 days, and we will be exchanging ideas, we will be meeting professionals from different countries, we will be seeing what they are doing to protect the hearing of their population in their country, we will be visiting conferences and exhibitions around the globe to bring the latest technology in hearing which is available to India for our people, for our country. कोई भी नहीं चाहता कि 30 साल 40 साल की उम्र में किसी को हियरिंग एड लगाना पड़े, तो प्रोटेक्ट करना ही एक उपाय है। हमारी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है, हम दोनों ही साथ में हियरिंग के क्षेत्र में काम करते हैं और हम दोनों ही मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन ईयर सॉल्यूशंस को रन करते हैं जहाँ पे हम कई सारे हियरिंग इम्पेयर लोगों का इलाज करते हैं। तो हम दोनों ही इस अवेयरनेस कैंपेन को लेके जा रहे हैं पूरा वर्ल्ड पे टूर करने यहाँ से लंदन तक। शायद अकेले मेरे लिए करना ये पॉसिबल नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता अकेले एक कार की जर्नी करना 20,000 किलोमीटर, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे साथ इस जर्नी को मेरे मतलब मेरे वाओ पे मेरे प्रण में इन्होंने ये भी शामिल हुई।